अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो। जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अपनी ताकत व सेहत को बढ़ाने और हमेशा बाकी रखने के लिए हर रोज सुबह नाश्ते में खुद भी इस्तेमाल करें और अपने घर वालों को भी इस्तेमाल कराएं। इसी तरह आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिजनेस करके हर महीने 15,000 से 25,000 रुपए तक आसानी से कमा सकते हैं। मजीद जानकारी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए इंटरनेशनल टॉप 5 न्यूज़, दुनिया की 5 बड़ी ख़ास अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपील करूंगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस बेबाक सच्चे चैनल से जुड़े नहीं हैं, अगर आप चाहते हो कि आपको मुल्क भारत की और पूरी दुनिया की सही और सच्ची खबरें देखने और सुनने को मिलें, तो फिर आप इस चैनल से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को, बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर वीडियो, हर खबर आपको आपके मोबाइल पर नज़र आ सके। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ एक अपील करते हैं कि प्लीज़, एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम काम कर रही है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल जो जुल्म और जालिमों के खिलाफ बेबाक अंदाज में बोल रहे हैं, सच्ची खबरें दिखा रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे चैनल मजबूत हों, आगे बढ़े, तो प्लीज़ आप चैनल की फाइनेंशियल हेल्प, माली तआवुन, माली मदद ज़रूर कीजिए। स्क्रीन पर आप नज़र डालें, हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी दिया गया है। और अगर आप ऑनलाइन पैसा भेजकर मदद करना चाहते हैं, तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम तीनों का एक ही नंबर है, 9637541786। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दी, उस एतबार से हर दिन या हफ्ते या महीने में एक बार ही सही 200, 500, 1000 जो भी आप पाबंदी से भेजना चाहते हैं भेजिए, और चैनल को मजबूत कीजिए। कल पहली बड़ी अफसोसनाक खबर सामने आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस खबर को दिखाते हुए कि आखिर कैसे होता है ये सब सारी चीज़ें। इस वक्त पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान के राजधानी दारुल हुकूमत काबुल से ये खबर आ रही है कि काबुल के एक स्कूल में खुदकश धमाका हुआ, जिसमें 100 बच्चे शहीद हुए हैं। तलबा व तालिबात इम्तिहान की तैयारियां कर रहे थे कि उस दौरान ये हादसा हुआ। जाए हादसा का दिलखराश मंजर, वीडियो, तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है, लेकिन वो तस्वीरें इतनी दर्दनाक हैं। मैं शाकिर भाई से कहूँगा कि शाकिर भाई, वो तस्वीरें आप स्क्रीन पर ना दिखाएं, बस एक ऐसी तस्वीर दिखा दें जिससे सिर्फ धमाके का अंदाज़ा हो, लेकिन वो दर्दनाक तस्वीरें स्क्रीन पर बिल्कुल ना दिखाएं। तालिबान की हुकूमत के बाद भी अफगानिस्तान में धमाकों के वाक़यात में कमी नहीं आ रही है। राजधानी काबुल के स्कूल में जुमा के दिन एक धमाका हुआ, 100 तालिबात, तलबा व तालिबात के शहीद होने की खबरें आ रही है। मकामी सहाफियों का कहना है कि रिपोर्टिंग के दौरान इंसानी हवास मुतजलजल हो गए, आदमी देख नहीं सकता था। रिपोर्टर्स ने कहा कि हम वहां खड़े नहीं रह पा रहे थे और हमारी ताकत नहीं थी कि उस मंजर को देख सके। स्कूल के इर्द गिर्द लाशों की शनाख्त करना भी मुश्किल हो रहा था, कहीं हाथ तो कहीं पाव। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक धमाका शहर के मगरिब में दश्त बुरची के इलाके के एक स्कूल में हुआ। एक मकामी सहाफी बिलाल सरवरी ने इस हमले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब तक 100 तलबा की लाशें गिन ली गई है। हलाक होने वाले तलबा की तादाद बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्लास खचाखच बच्चों से तलबा से भरी हुई थी। वो तलबा यूनिवर्सिटी में दाखिले की तैयारी कर रहे थे। आइए नाज़रीन, ईरान और इराक को लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप जानते हैं कि ईरान में एक लेडी अमीनी, जिसकी पुलिस हिरासत में मौत हुई है, उसको लेकर पासदारा ने, इनकलाब के एक्स कमांडर ने, एतराफ किया और यह कहा कि अमीनी
कि सर पर चोट लगने की वजह से मौत हुई है। ईरान इराक जंग के दौरान ईरानी पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडरों में से एक मोहम्मद बाकिर बख्तियार ने पुलिस हिरासत में हलाक होने वाली अमीनी की मौत के मुतालिक अहम इंकशाफ कर दिया। उन्होंने एतराफ़ किया कि अमीनी की मौत सर पर चोट लगने से हुई है। उन्होंने अमीनी की मौत पर शदीद हैरत का इजहार भी किया। अमीनी की मौत के बाद से ईरान भर में एहतजाज आंदोलन मुजाहरे शुरू हो गए हैं और ये एहतजाज ये आंदोलन ये मुजाहरे बिल्कुल शिद्दत के साथ हो रहे हैं और इन मुजाहरों में भी अब कई लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है। और वहीं पर मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से ईरान के इराक पर जो हमले की खबरें थी तो अब उसको लेकर भी यह खबर आ रही कि अमेरिका ने ऐलान किया है कि इराकी कुर्दिस्तान पर गुज़िश्ता किए जाने वाले ईरानी हमले के नतीजे में दूसरों के साथ एक अमरीकी शहरी भी हलाक हुआ है। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं। देश विदेश में इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, इस वक्त अमेरिका में आंधी तूफान से 17 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है। अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा में गुज़िश्ता कल आंधी और तूफान की शिद्दत से 17 लोग हलाक हुए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने खदशा जाहिर किया है कि मरने वालों की तादाद में और इजाफा हो सकता है। फ्लोरिडा के गवर्नर का कहना है कि तूफान से जो तबाही हुई है वो 5 वर्षों में नहीं देखी गई, यानी अभी का जो तूफान है इतना खतरनाक तूफान इन 5 वर्षों में कभी नहीं देखा गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तूफान में सबसे ज्यादा फोर्ट मायर्स मुतासिर हुआ और रियासत में अब भी 25 लाख से ज्यादा शहरी बिजली से महरूम हैं। यानी आंधी तूफान ने जहां इंसानों की जानें ली वहीं पर कई सिस्टम्स को तबाह बर्बाद कर दिया, जिसमें इलेक्ट्रिक सिस्टम भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। नज़र बड़ी खबर आ रही है मलिके एलिजाबेथ को लेकर। जी हाँ, मलिके एलिजाबेथ का कुछ दिनों पहले पिछले हफ्ते इंतकाल हुआ, मौत हुई। उनको लेकर डॉक्टरों ने अब डेथ सर्टिफिकेट, मौत का सर्टिफिकेट जारी कर दिया और उसमें लिखा कि मलिके एलिजाबेथ की मौत की वजह उनका बुढ़ापा है। मरना तो है मेरे भाई, चाहे मलिका हो चाहे नौकर हो। मलिका बरतानिया का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है जिसमें बताया गया है कि मलिका एलिजाबेथ दोयम 8 सितंबर को सहपहर 3:10 पर बुढ़ापे की वजह से इंतकाल कर गई। डॉन अखबार में शाये खबर रसा एजेंसी AFP की रिपोर्ट के मुताबिक 96 की हो गई थी मलिका एलिजाबेथ। अब मरेगी नहीं तो क्या बचेगी, मर गई। अब उसका इंतकाल हुआ है तो ये बताने की कोशिश की गई है कि कोई और वजह नहीं है बल्कि उम्र का तकाजा है और बुढ़ापा है जो उनकी मौत की वजह बना है। हाँ, इतना ज़रूर बता दूँ कि मलिका एलिजाबेथ बरतानिया की हिस्ट्री में, ब्रिटानिया की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक, तवील अरसे तक शाही मसनद संभालने वाली मलिका रहीं और उन्होंने 1952 के बाद 70 साल तक सरबराह ममलिकत की हैसियत से हुकूमत की। स्कॉटलैंड के नेशनल रिकॉर्ड्स की तरफ से जारी करदा सर्टिफिकेट से पता चलता है कि उनकी मौत 16 सितंबर को मलिका की इकलौती बेटी शहजादी एन ने रजिस्टर की थी। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कुवैत से। जी हाँ, अहम खलीजी रियासत है, खलीजी स्टेट है कुवैत। कुवैत से खबर आ रही है कि कुवैत की असम्बली के लिए 2 सीटों पर ख्वातीन कामयाब हुई, लेडीज कामयाब हुई। अपोजिशन इंतहाई मजबूत है, 50 में 28 सीटों पर कब्जा हो गया। कुवैत की असम्बली के लिए 2 ख्वातीन के मुंतखब होने के बाद अपोजिशन ने असम्बली में अक्सरियत हासिल कर ली है। ख्वातीन की असम्बली में बजरिए इंतखाब वापसी जुमेरात के रोज हुई। खलीजी ममालिक में कुवैत की असम्बली वाहिद असम्बली है जिसके तमाम अरकान का इंतखाब किया जाता है। हालिया दहाई के दौरान ये इस असम्बली का
छठी बार इंतखाब अमल में आया है। इंतखाबी अमल मुकम्मल होने के बाद कुल 50 असेंबली नशिस्तों में से 28 नशिस्तें अपोजिशन के नाम हो गई हैं। मैं आपको बता दूं कोयत के ताल्लुक से कि कोयत जिसकी सरहद इराक, सऊदी अरब और ईरान से मिलती है, दुनिया में तेल के बड़े बरामद कुनिंदगान में से एक मुल्क कोयत है। ऐसा इकलौता खलीजी मुल्क है जिसके पार्लियामेंट के तमाम अरकान मुंतखब होते हैं। कोयत ने 1962 में जब से पार्लियामानी निज़ाम हुकूमत अपने लिए पसंद किया है, इसके यहाँ अब तक 18 बार इलेक्शन हो चुके हैं। दाद खाज खुजली का जल्द से इलाज, डॉक्टर शेख नाजिम से कांटेक्ट कीजिए 8983547069 पर। जोड़ों का दर्द, पाइल्स, बवासीर, एसिडिटी, वजन का कम करना, गुर्दों और मसानों की पथरी, गुप्त रोग, बालों का झड़ना और सफेद होना, इन तमाम बीमारियों के इलाज के लिए हिंदुस्तान आयुर्वेदिक सेंटर जलगांव। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहें कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।